सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी हमारा ले का प्लान कैंसिल, बिकॉज कल परसों शायद कुछ ट्रैवल लॉन्च आ गया था जहाँ से हम निकलने वाले थे टुवर्ड्स दी ले जोजोला पास और कारगिल, और आगे हम जाने वाले थे तो वहाँ पे कुछ एरियाज़ में अब लॉन्च आ गया है और पूरी की पूरी स्नो ने मतलब पूरा एरिया ढक दिया है। आपको मैं फुटेज यहाँ दिखा दूंगा। रास्ता बचा हुआ है वो क्लियर हो रहा है और तमाम लोगों से यही अपील रहेगी हमारी कि जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं हो जाता आप नीचे शांति बनाकर बैठे रहे। जब ये रास्ता क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से एक एक करके छोड़ा जाएगा। आप सोच रहे होगे कि यार मतलब हर रोज़ बोल देगी आज ले जाएगा आज ले जाएगा, और टेक्निकली हुआ क्या कि कल उन्होंने कुछ थोड़ा रास्ता क्लियर करने की कोशिश करी भी, बट आपको पता ही है कि जैसे ही पहला वो खुलता है मतलब रास्ता खुलता है तो एकदम से सारी की सारी जो भीड़ अब वेट कर रही थी पिछले 2-3 दिनों से वो भागेगी, और वो जब भागेंगे और रास्ता खुलेगा उसके बाद इतनी भीड़ भड़क का ट्रैफिक, और हमारा नंबर कब आएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब आसपास कुछ खाने को नहीं, ढंग का सैनिटेशन नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए हमने सोचा कि चलो एक आध दिन और वेट कर लेते हैं। हमारे यहाँ से भी चेकआउट है और हम जा रहे हैं सामने वाले होटल जर्मन रेजिडेंसी में, तो वहाँ पे रियाज सर के साथ मैं बैठूंगा थोड़ी देर। रियाज सर इज़ द मेन गाय जो यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं कि हाँ यार बंदा ठीक ठाक है, खाना पीना ठीक है हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत वो मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें ही फिर बोलता हूँ, वैसे कुछ अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं है और आगे भी नहीं आएगी आई एम श्योर। यहाँ पीछे जो होटल देख रहे हैं वहाँ पे मैंने सामान रख दिया है। अब जा रहे हैं हम वापस जर्मन रेजिडेंसी रियाज सर के पास, और होपफुली अब आज हम थोड़ा हैंडीक्राफ्ट्स और बाकी चीज़ें जो भी डाउन टाउन में चीज़ें हैं वो हम शूट करेंगे। और अभी सोहेल सर आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा टूर कराएंगे, लेके जाएंगे इधर उधर। चलो भाइयों, जर्मन मोटर से हमें मिल गई है स्कूटी रेंट पर, और अब हम जाएंगे थोड़ी देर राइड करने इधर उधर। हेलमेट भी होना मस्त लग रहा है। आज हम पूरे के पूरे ब्लॉगर बन गए हैं।